एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने गुरुवार को थाना गोरखनाथ नथमलपुर के आदित्य नगर व वसुंधरा इनक्लेव ब्लॉक 22 हॉट स्पॉट थाना रामगढ़ताल एरिया का निरीक्षण किया और दोनों एरिया को 250 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा 500 की परिधि क्षेत्र को बफर जोन तथा 400 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन एवं 700 परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए सील कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। आपका सैंपल कितने दिन पहले लिया गया? अगर लिखता है ना तो ना का हो जाए, उसमें कुछ पूछना नहीं है। जो लोग हाँ लिखेंगे आपके सैंपल, आपका सैंपल हुआ है तो उसमें कितने दिन पहले हुआ है ये जरूर लिख लीजिएगा, एंट्री कर लीजिएगा। एम्स में काम करने वाले और एलएनटी में काम करने वाले ये लोग, और दूसरा बता दें कि आप मैच कर लीजिए B22 में। देखिए, एक थाना रामगढ़ ताल में वसुंधरा एनक्लेव है, वहाँ पे B22 उसमें टावर में एक संक्रमित व्यक्ति मिला था। इसके अलावा आदित्य नगर थाना गोरखनाथ में, वहाँ पे भी गए थे। उसके अलावा बुद्धा हॉस्पिटल जो कि थाना कैंट के अंतर्गत है, PNV के पीछे, वहाँ पे एक व्यक्ति पाया गया था जो महाराजगंज चला गया है। उस एरिया को हमने सील किया है। और एक अभी अभी सूचना मिली है कि थाना कैंट में ही महादेवी जाखनी टुकड़ा नंबर 2 में एक और व्यक्ति संक्रमित मिला है। लगभग 4 हॉटस्पॉट आज हमारे बने हैं।